रत्ना और आप देख रहे हैं एनएस टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेठ की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में संविधान निर्मात्र सभा के पूर्णकालिक सदस्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की 67 पुण्यतिथि के मौके पर स्मृति में 2 दिवसीय स्मृति समारोह का शहीद स्मारक का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, शहीद परिवार के परिजनों और बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के परिवार जनों को सम्मानित किया गया। इसके साथ विभिन्न विधाओं में प्रतिभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, खिलाड़ियों को भी प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और खेल सामग्री प्रदान कर सम्मानित किया। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी लड़ी बेहतर से बेहतर, वकालत की शिक्षा भी दी, इन सब चीज़ों को हम लोगों को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस आयोजन को किया है और करता रहा है। अगली खबर की ओर देखें, लाल शाह की नारायणपुर। पुलिस के तत्वाधान में खेल उत्सव फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के विशेष पहल से क्षेत्र के युवाओं में सकारात्मक सोच और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फुटबॉल प्रतियोगिता का लीग मैच आयोजित किया गया। उक्त लीग मैच में अनुभाग से विजेता और उप विजेता टीम कुल 10 टीमों के मध्य 14 सितंबर से 16 सितंबर तक क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता में जिले के 110 टीमों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में 115 से अधिक मैच आयोजित किए गए, जिसमें करीब 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और आयोजन में सराहनीय योगदान देने वाले वॉलंटियर को भी पुरस्कार दिया गया। जिला मुख्यालय नारायणपुर में 14 सितंबर से 16 सितंबर तक के मध्य जो है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मैच जो है खेला गया, और इसके अंतर्गत जो है आज 17 सितंबर को जो है प्रतियोगिता का फाइनल मैच ग्राम बड़े जमरी और कोचवाही के मध्य खेला गया। और इस प्रतियोगिता में बड़े जमरी की जो टीम है उसने कोचवाही को हराकर जो है प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित किया है। और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बड़े जमरी, द्वितीय स्थान कोचवाही और तृतीय स्थान ओरछा की टीम ने जो है हासिल किया है। भादो बाजार में शामिल होकर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मौजूद माछी चालकी सिराह गुनिया पटेल पुजारी ने विधायक और ग्रामीणों की उपस्थिति में कंकाली माता की सेवा यात्रा कर नवाखाई की अनुमति मांगी। सम्मिलित 84 गांव में नवाखाई धूमधाम से मनाई जाए। वर्षों पुराने सड़क और पुलिया की मांग के पूरे होने पर भूमि पूजन के लिए पहुंचे विधायक रेखचंद जैन का स्वागत ग्रामीणों ने गर्मजोशी से किया। सड़क और पुलिया की सौगात मिलने से खुश ग्रामीण। इस मौके पर एकत्रित लोगों को संबोधित करते विधायक जैन ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के अनेक योजनाओं की जानकारी दी, अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह भी किया और भाजपा शासनकाल में जनता को होने वाली तकलीफों को रेखांकित किया। अगली खबर की ओर देखिए, जगदलपुर। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा में विधायक रेखचंद जैन सम्मिलित हुए। दोपहर बाद शहर के गंगा मुंडा तालाब किनारे स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंचकर विधायक ने पूजा अर्चना की। उन्होंने अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के पदाधिकारियों और समाज के सदस्यों से भेंट कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची सरगुजा के सीतापुर। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के रथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राम विचार नेता अनुराग सिंह देव समेत कई बीजेपी के नेता लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। सीतापुर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के रथ का कर रहे हैं भव्य स्वागत। जहाँ से परिवर्तन यात्रा गुजर रही है, लोगों में भारी उत्साह का वातावरण है और इस यात्रा का लोग घंटों इंतजार करके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीतापुर में यह मंत्री का क्षेत्र है और कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यही परिवर्तन का लहर है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जनता के मध्य परिवर्तन का अलख जगाने वाले राम कुमार टोपो से प्रेरणा लेकर युवाओं से आगे आने का आह्वान किया, जो फौज की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करने भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, जहां आज कांग्रेस शोषण घोटाला और भ्रष्टाचार कर रही है। अटल जी के लिए उन्होंने कहा कि समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ ऐसे रह जाते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। छत्तीसगढ़ बनाकर अटल जी इतिहास बन गए। आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कतकलों में नव निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया।
करीब 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन के उद्घाटन के साथ कत्कलों के इस उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वयं का विस्तारित भवन मिल गया। भवन के उद्घाटन के दौरान ही एक गर्भवती महिला का एडमिशन इस उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव के लिए हुआ। इस दौरान क्षेत्र में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और करजी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए लाल शाह की बस्तर। भारत सरकार के संयुक्त सचिव और नोडल अधिकारी मुकेश बंसल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल पहुंचे और अटल टिंकरिंग लैब, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का अवलोकन किया। वहीं उक्त स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ शून्य निवेश योजना अंतर्गत आयोजित क्लस्टर स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार मेला में स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडल और प्रदर्शनों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने करंजी में आंगनबाड़ी केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण कर एकीकृत बाल विकास सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में पूछा। उन्होंने करंजी स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का जायजा लेकर बैंकिंग सेवाओं की सुलभता के बारे में जानकारी ली। संयुक्त सचिव बंसल ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के टिंकरिंग लैब में 3D प्रिंटर के उपयोग के बारे में 12वीं के विज्ञान के सुंदर बघेल और अन्य छात्रों से पूछा। इसके साथ ही छात्र राहुल कश्यप ने सिलाई मशीन के जरिए विभिन्न डिजाइन और कपड़े सिलाई करने की भी जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्र में किचन और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में औषधि कक्ष, लेबर रूम की व्यवस्था देखी गई। अगली खबर की ओर देखिए, सुनील शेरवानी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सचिव चंदन यादव रविवार को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के दौरे पर पहुंचे। यहां रेस्ट हाउस में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली और टिकट को लेकर भी उन्होंने पार्टी संगठन के नेताओं पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा। उन्होंने टिकट के लिए उम्मीदवारों की संभावित सूची के संबंध में स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से राय मशवरा भी किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की सरकार और पार्टी संगठन में सिर्फ तानाशाही चल रही है, बीजेपी के संगठन में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जबकि कांग्रेस में लोकतंत्र जीवित है। हमारी पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार। मुझे लगता है सभी हमारे नेता एक साथ हैं, 90 विधानसभा में सभी मिलकर के लड़ेंगे। जब बैठक होती है, जब मीटिंग होती है, तो सभी लोग 90 विधानसभा में कैसे चुनाव जीते, क्या क्या समस्याएं हैं, इसको कैसे सुलझाया जाए, ये सभी चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन होती है और इसका हम लोग अच्छे से इसका निराकरण कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं वो जैसे जैसे आती है, और पार्टी में हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी की तरह तानाशाही सरकार भी है उनकी और संगठन के अंदर भी उनका तानाशाही प्रवृत्ति चलता है। तो हर एक हमारे कार्य नेताओं को अधिकार है कि अपनी बात को रखें, लेकिन जब एक सर को पीछे निर्णय हो जाता है, जब एक उस निर्णय में सभी शामिल हो जाते हैं, सभी हम लोग बैठ मिल करके कोई पार्टी के अंदर की कोई समस्या है, ये बात है, संगठन को लेकर के कोई बात है, तो हम चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद जो निर्णय लिया जाता है उस पर सभी हमारे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब एक साथ उसमें जुड़ जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टुडे के साथ।